बारावीच्या परीक्षेनंतर स्पर्धा परीक्षाच आहेत महत्त्वाच्या. स्पर्धा परीक्षातील यशावरच भेटतो हव्या त्या कॉलेजला प्रवेश. शैक्षणिक अभ्यासापेक्षा वेगळा पॅटर्न असतो स्पर्धा परीक्षांचा. कार्ला शुक्लाच्या संदीप सिन्हा यांनी दिली सहज समाचारच्या माध्यमातून माहिती. कार्ला शुक्ला संस्था खोपोलीतील व ग्रामीण भागातील आर्थिकरित्या कमकुवत असलेल्या 10 विद्यार्थ्यांना देणार स्वखर्चाने स्पर्धा परीक्षेचे शिक्षण. नवीन शैक्षणिक प्रणालीत 12वीमध्ये बोर्डाच्या परीक्षेत जे गुणांकन प्राप्त होते त्यावर कोणते करिअर निवडायचे किंवा कोणत्या क्षेत्रात प्रवेश घ्यायचा हे निश्चित होत नसून स्पर्धा परीक्षांमधील यशावर हे सर्व अवलंबून असते अशी माहिती खोपोलीतील कार्ला शुक्ला या क्लासेसचे संचालक संदीप सिन्हा यांनी दिली. इंजिनिअरिंग किंवा मेडिकलला प्रवेश घेणाऱ्यांसाठी या स्पर्धा परीक्षेच्या संदर्भात विस्तृत चर्चा पाहूया जगदीश मराजगे यांच्यासोबत सहज समाजाच्या विशेष कार्यक्रमात. असं म्हटलं जातं की शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे आणि खऱ्या अर्थानं हे वाक्य आज तंतोतंत खरं ठरताना दिसत आहे. त्याचं कारण असं की 10वी किंवा 12वीमध्ये आपण जरी 90 किंवा 95% मार्क्स मिळविले तरी आज आपण पाहिलं तर स्पर्धात्मक परीक्षेला सामोरं जावं लागतं आणि या स्पर्धात्मक परीक्षेला सामोरं जात असताना त्यानंतर मुलांना आपलं करिअर निवडण्याची संधी मिळत असते. आपण आज पाहतोय की नीट किंवा JEE आणि MHT CET यासारख्या परीक्षांची तयारी करण्यासाठी आपल्याला पनवेल पुणे किंवा वाशी यासारख्या ठिकाणी जावं लागायचं. परंतु आज ही जी गरज आहे ती खोपोली शहरामध्ये कार्ला शुक्ला या क्लासेसच्या माध्यमातून पूर्ण होताना दिसते. आणि आपण असं पाहतोय की कार्ला शुक्लाची जी मुलं आहेत ती या स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये अव्वल येताना दिसत आहेत. नेमक्या या दोन परीक्षांचं स्वरूप काय असतं आणि त्यासाठी पूर्वतयारी करण्याकरता काय करावे लागते, या परीक्षांचं स्वरूप कसे असते यासंबंधी आपण सहज समाजाच्या स्टुडिओत चर्चा करण्यासाठी कार्ला शुक्ला क्लासेसचे संचालक प्राध्यापक संदीप सिन्हा यांना निमंत्रित केले आहे. नमस्कार सर. नमस्ते. सर, आपण जर पाहिलं तर 12वीला 95% किंवा 90% जरी मार्क्स मिळाले तरी मुलाला इंजिनियर किंवा डॉक्टर होता येत होतं. परंतु जर आता आपण स्पर्धात्मक परीक्षा पाहिल्या तर त्या परीक्षांसाठी आपण नीट किंवा JEE किंवा CET सारख्या एक्झाम का द्याव्या लागतात? 2012 के बाद से एग्जामिनेशन के पैटर्न में एक भारी बदलाव आया. उसके लिए अगर कोई स्टूडेंट जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है उसको सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, चाहे वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए नीट हो या फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए JEE हो या फिर महाराष्ट्र स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए CET हो. यही एकमात्र जरिया है आज की तारीख में कि स्टूडेंट किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सके. 12वीं में चाहे वो कितना भी परसेंटेज स्कोर कर ले, उसको JEE और नीट या फिर CET से एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं उसको एडमिशन लेने में उसको कोई खास फायदा नहीं होता. जैसे मैं आपको JEE के बारे में बताता हूँ. JEE में अगर स्टूडेंट ने JEE मेन और JEE एडवांस जैसा एग्जामिनेशन क्लियर किया है और उसको बोर्ड में केवल 75% मार्क्स है तो उसको आराम से IIT में एडमिशन मिल सकता है. NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें भी अगर स्टूडेंट को केवल 75% मार्क्स मिला है और उसने JEE मेन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर किया है तो उसको NIT में एडमिशन मिल सकता है. दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए बोर्ड के परसेंटेज मार्क्स का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है. अगर मैं मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं या इंजीनियरिंग कॉलेजेस को छोड़कर अगर मैं मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन की बात करूं तो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे 60% मार्क्स की ज़रूरत है. बाकी सब कुछ NEET मतलब कि नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा. आज की तारीख में 12वीं के एंट्रेंस एग्जाम के बाद अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जाता है तो उससे 12th के मार्क्स नहीं पूछे जाते हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाता है कि तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक क्या है, AIR क्या है. ये ऑल इंडिया रैंक उसको नीट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन और JEE के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद मिलता है. तो मोटे तौर पर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि बोर्ड एग्जामिनेशन आज की तारीख में अपना महत्व थोड़ा सा खो गया है.
अगर किसी स्टूडेंट को मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसे बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी साथ साथ ही करनी चाहिए। सर आपण असं मगाशी म्हटलात की ज्यांना इंजिनियर व्हायचं असेल किंवा ज्यांना वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये आपलं करिअर करायचं असेल त्या लोकांसाठी नीट किंवा JEE ही एक्झाम खूप महत्त्वाची आहे। आणि मग ही जर एक्झाम महत्त्वाची म्हटलं तर नक्कीच 12वीची जी एक्झाम आहे किंवा 12वीची जी परीक्षा आहे तिचं महत्त्व कुठेतरी कमी होताना दिसत आहे। मग जर नीट किंवा JEE एक्झाम जर द्यायची असेल तर 12वीच्या परीक्षेनंतर 1 ते 1.5 महिन्याच्या आत या परीक्षा द्याव्या लागतात का? त्यासाठी कशी तयारी करावी लागते की ऐनवेळी ही परीक्षा देता येते? नेमकं काय करावं लागतं आणि तुम्ही त्यांना कशा स्वरूपाचं मार्गदर्शन करता याबद्दल सविस्तर माहिती द्या, कारण ती नवोदित जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी नक्कीच ते प्रेरणादायी असणार आहे। हां, ये सच है कि JEE और नीट के एग्जाम्स 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स के 1 से 2 महीने के अंदर हो जाते हैं। अगर मैं JEE के एग्जाम्स की बात करूं तो ये एग्जामिनेशन 2 स्टेज में होता है। पहला स्टेज अप्रैल मंथ के 1st Sunday को, मतलब JEE मेन का एग्जामिनेशन, और दूसरा स्टेज JEE एडवांस का एग्जामिनेशन, मतलब कि ये जून महीने के आखिरी संडे को कह सकते हैं कि होता है। तो कुल मिला के बोर्ड का एग्जामिनेशन मार्च महीने के 15 तारीख तक ख़त्म होता है और JEE मेन का एग्जामिनेशन अप्रैल महीने के 1st week में शुरू होता है। मतलब कि स्टूडेंट्स को 15 से 20 दिन से ज़्यादा प्रिपरेशन का मौका नहीं मिलता। नीट का एग्जामिनेशन मई महीने के 1st Sunday को होता है और बोर्ड का एग्जामिनेशन, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये 15 मार्च को ख़त्म होता है। तो नीट के जो भी परीक्षार्थी हैं उनको प्रिपरेशन का मौका 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन उस टाइम से करना शुरू करे जिस टाइम से उसने 11वीं में एडमिशन लिया है। पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए या पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि 0 से लेकर नीट तक या 0 से लेकर JEE तक सब कुछ साथ साथ चलता रहे। ऐसा बिल्कुल भी गलती ना करें कि पहले बोर्ड का एग्जामिनेशन लिखें और बाद में JEE और नीट जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करें, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर मैं JEE के एग्जामिनेशन पैटर्न और बोर्ड के एग्जामिनेशन पैटर्न की तुलना करूं तो ये बात ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। बोर्ड के एग्जाम्स में आपने लगातार इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि एक ही तरह के प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। अगर किसी बच्चे ने 10 साल या 15 साल का क्वेश्चन बैंक तरीके से रिवाइज किया तो उसको बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस बिल्कुल भी नए नहीं लगते। लेकिन अगर मैं JEE का इतिहास बताऊं तो पिछले 37 सालों से उन्होंने कोई भी प्रश्न रिपीट नहीं किया। एक जैसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना वहां पे बहुत कम है, राइट? लेकिन बोर्ड के एग्जाम में एक जैसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा तैयार रहना पड़ेगा। बोर्ड के एग्जाम में वो डेफिनेशन याद करते हैं, डेराइवेशन याद करते हैं और उन प्रश्नों पे बार बार कोशिश करते हैं, तैयारी करते हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट। JEE जैसे एग्जाम में सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, पूरा सिलेबस इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए हमें एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को 4 W's के साथ काम करना पड़ता है। हर लाइन पढ़ने के साथ वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर जैसी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, जैसे कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा। अगर हम इस तरह से पढ़ें तो JEE जैसे एग्जामिनेशन टफ नहीं होंगे। ठीक उसी तरह नीट जैसे एग्जाम, नीट के एग्ज़ाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। इसमें 11वीं और 12वीं दोनों का सिलेबस है। जनरली स्टूडेंट्स जब 12वीं की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो 11वीं का सिलेबस भूल जाते हैं और 12वीं के एग्जाम के बाद उनको सिर्फ 1.5 month का टाइम मिला। इस 1.5 महीने में वो पूरा का पूरा 11th का सिलेबस और 12th का सिलेबस नीट के लेवल पे और JEE के लेवल पे कैसे रिवाइज कर सकते हैं, जबकि JEE और नीट का सिलेबस बोर्ड के सिलेबस से 10 गुना ज़्यादा है। तो ये बात बिल्कुल हास्यास्पद लगती है कि हम बोर्ड का सिलेबस जो 10 गुना कम है उसके लिए 2 साल का टाइम लगाएं
और JEE और नीट का सिलेबस जो उससे 10 गुना ज़्यादा है उसके लिए हम 15 दिन या 1.5 महीने का टाइम दें, ये बात बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं है। ये एक मुख्य वजह है जिससे कि खोपोली में बहुत सारे शिक्षण संस्थानों से रिजल्ट नहीं आ रहा, वो पूरा साल स्टूडेंट्स को बोर्ड के एग्ज़ाम में लगा के रखते हैं और जब बोर्ड का एग्जामिनेशन ख़त्म होता है तो उन स्टूडेंट्स को JEE और नीट की चिंता होनी शुरू होती है और इस वजह से उनका रिजल्ट नहीं आ पाता। ये मुख्य वजह है। आप ऐसे देखो तो नीट के एग्जाम में 45 क्वेश्चन फिजिक्स का होगा, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होगा और 90 क्वेश्चन बायोलॉजी का होगा, मतलब टोटल 180 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए जो टाइम निर्धारित है वो 3 घंटे का टाइम है। 3 घंटा मतलब 180 मिनट। आपको 180 मिनट में 180 सवालों के उत्तर देने हैं, मतलब कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं मिला है। 15 सेकंड का टाइम तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते निकल जाता है, प्रश्न का समझते समझते निकल जाता है और 15 सेकंड ख़त्म हो जाता है। लगभग 5 सेकंड हमें OMR शीट भरने में लगती है, मतलब कि एक प्रश्न का उत्तर निकालने में स्टूडेंट को सिर्फ 40 सेकंड का टाइम मिल रहा है। इस 40 सेकंड में वो उत्तर निकाल सके हमें उसको उस लेवल पे तैयार करना है। ये तभी संभव है जब स्टूडेंट बिल्कुल शुरुआत से उसके पीछे लगा रहे, जब वो नीट लेवल पे सिलेबस को 5 बार 6 बार रिवाइज कर चुका हो, एग्जाम में उसको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन मैंने पहले कभी देखा नहीं है या मेरे टीचर ने पहले से ये बताया हुआ नहीं है। इसके लिए तैयारी शुरू से होनी चाहिए। जिस दिन से स्टूडेंट 10th के बाद 11th में फर्स्ट डे क्लास ज्वाइन करता है, नीट और JEE की तैयारी उस दिन से शुरू होनी चाहिए। पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि चैप्टर 0 से शुरू हो और वो JEE और नीट के लेवल पे जाए। इसी तरह से हम लोग JEE और नीट का टारगेट अचीव कर सकते हैं। सर, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम विषयी आपण अतिशय उत्कृष्ट अशी माहिती दिलेली आहे आणि आपण सर्व परिचित आहोत की यंदाच्या ज्या परीक्षा झाल्यात आणि त्यांचा निकाल देखील आले, खोपोलीमध्ये टॉपर ही तुमच्या इन्स्टिट्यूटचेच विद्यार्थी आहेत, आपण त्यांच्याविषयी जरा माहिती द्या आणि थोडे त्यांच्याशी आम्ही हितगुज करू इच्छितो, त्यामुळं या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करायला इतरांना नक्कीच मदत होणार आहे। हा, ये सही है और मुझे काफी खुशी भी है कि पूरी खोपोली में CET के एग्जाम में हमारे ही कालरा शुक्ला क्लासेस खोपोली ब्रांच के स्टूडेंट ने टॉप किया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रैंक अगर मैं बोलूं तो हमारे ही स्टूडेंट का है। जैसे ही इज़ माय स्टूडेंट, इसका नाम अनुभव गुलेरिया है। इसने CET के एग्ज़ाम में 162 मार्क्स स्कोर किया है। न केवल CET का एग्जामिनेशन, इसने JEE मेन एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, उसमें भी ये पूरे खोपोली का टॉपर रहा। और अभी आप इनसे जब बातचीत करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये कुछ गाइडलाइंस करेंगे या आप आगे आने वाले स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको समझाने के लिए कुछ बात करेंगे। नमस्ते, मैं अनुभव सिंह गुलेरिया। मेरी मुलाकात सर से 11वीं कक्षा में हुई थी। जब मैं 10वीं पास करके आया था तब मैं एडमिशन्स के लिए देख रहा था, तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसे 2 ही ऑप्शन थे, या तो आप पुणे जा सकते हैं या बॉम्बे, या फिर जो लोग ज़्यादा दूर जा सकते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा कोटा चला जाया करते थे। तो जब कालरा शुक्ला की शुरुआत हुई थी दो तीन साल पहले, तब बहुत अच्छा, मतलब बच्चों के लिए बहुत अच्छा हुआ कि उन्हें कोटा, बॉम्बे, पूना जैसी सुविधाएं, सारी सुविधाएं खपोली जैसी जगह में मिल रही थी। तो मेरी शुरुआत हुई थी 3 साल पहले, जब मैं 11वीं में आया था सर के पास खपोली में, तब मैंने इंजीनियरिंग में JEE की तैयारी के लिए सर से बातचीत की थी। तो तब सर ने बहुत मदद की थी। कालरा शुक्ला क्लासेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग में आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, आप घर के पास रहते हैं, आपको पढ़ाई बहुत अच्छी मिलती है, आपके पास टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। तो कालरा शुक्ला में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि 10वीं के बाद मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्या होते हैं, क्योंकि हमारे टाइम पर एक मान्यता बन गई थी कि 11th 12th के बोर्ड्स के रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप बोर्ड्स में अच्छा कर रहे हैं तो आपको कहीं भी एडमिशन मिल जाएगी, आप कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा हुआ कि सब कुछ चेंज हो गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आने के कारण, क्योंकि पहले क्या होता था, AIEEE अलग होता था, JEE मेंस और एडवांस अलग होता था। तो अभी क्या कर दिया उन्होंने, AIEEE का पूरा सिस्टम निकाल के, उन्होंने जब JEE का सिस्टम निकाला तो बोर्ड्स का पूरी वैल्यू ख़त्म हो गई। तो उसके बाद काफ़ी कन्फ्यूजन थी, तो हमने सर से बात की तो हमें पूरा क्लैरिटी हुआ कि मेंस और एडवांस की क्या वैल्यू है।
उसके बाद मुझे पता चला कि बोर्ड्स में की कोई वैल्यू नहीं है, आपको बस बोर्ड्स में मिनिमम क्राइटेरिया अगर आप पास कर जाएं तो बाकी की आपका सारे का सारा वैल्यू आपका पूरे का पूरा जो होता है वो पूरे का पूरा जेई मेंस और एडवांस के ऊपर आ जाता है। तो जेई मेंस और एडवांस की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जैसा कि सर ने पहले कहा कि जेई एडवांस में कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, आपको हर साल एक नया पैटर्न या हर साल कोई नया ट्विस्ट दिखाई देगा, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है, आपको जो टेक्स्ट बुक है या तो जो आपके पास टॉपिक्स हैं उन सब की आपको थरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनका पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास सिर्फ दो चीज़ें बचती हैं, पहला होता है ढेर सारी प्रैक्टिस और दूसरे होते हैं क्वेश्चन पेपर जो कालरा शुक्ला बहुत बढ़िया प्रोवाइड करता है। मुझे फिर से इस बात की बहुत खुशी है कि पूरे खोपोली में अगर किसी स्टूडेंट को सेकंड रैंक मिला है, उसने 151 मार्क्स स्कोर किया है आउट ऑफ 200 मार्क्स इन सीईटी, तो ही इज़ कौस्तुभान, ही इज़ माय स्टूडेंट सिंस 2016। कौस्तु, नए आने वाले स्टूडेंट्स को या जो स्टूडेंट 11वीं से 12वीं में जा रहे हैं उनको आप थोड़ा गाइडलाइन करो, वो इस चीज़ को समझ सकें, अच्छे से महसूस कर सकें कि JEE और नीट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए क्या ज़रूरी है और वो शुरुआत से ही इस काम में लग सकें। नमस्कार, मेरा नाम कौस्तव पान है। मैंने कालरा शुक्ला क्लासेस 10वीं के बाद 2016 में ज्वाइन किया था। जब मैंने ज्वाइन किया था तब मुझे पता नहीं था कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्या होती है। ज्वाइन करने के बाद सर से बातचीत की, मालूम पड़ा कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, क्या क्या एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। उसके बाद मेरा पूरा ध्यान उस चीज़ पर लग चुका था। जब मालूम पड़ा कि इस तरीके से प्रिपेयर करना है, उसी तरीके से प्रिपेयर किया गया। हर रोज़ कोचिंग जाने के बाद वहाँ पे सर के नोट्स को टेक डाउन करना, घर पे आके हर रोज़ 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी को देना, इस तरीके से मैंने अपने पूरे 2 साल प्योर डेडिकेशन एंड विल के साथ किया है और इसी वजह से आज मेरे को इतना अच्छा रैंक मिला है। मैं ये प्राउडनेस के साथ कह सकता हूँ कि कालरा शुक्ला ने मेरा ज़रूर मदद की है। वहाँ के टीचर्स सारे IIT बैकग्राउंड से है जो आपके साथ हमेशा कोऑपरेटिव रहते हैं, आपके हर डाउट्स सुबह शाम कभी भी पूछो क्लियर करने को तैयार होते हैं। कालरा शुक्ला के साथ मेरा 2 साल का अनुभव बहुत ही अनोखा था और मैं इस चीज़ को प्राउडली सबके साथ शेयर कर सकता हूँ। नेक्स्ट, ही इज़ माय स्टूडेंट उत्कर्ष सिंह। इसने पूरी खोपोली में 3रा स्थान प्राप्त किया है, इसको CET में 135 मार्क्स मिले हैं। उत्कर्ष, स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं जो अभी 10th के बाद 11th में आ रहे हैं, जो 11th के बाद 12th में आ रहे हैं, कि तुम्हारा अनुभव कालरा शुक्ला के लिए कैसा रहा, तुमने इस यहाँ पे किस तरह से तैयारी की, तुम उन्हें गाइड करो। हेलो, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है। सॉरी यार, हेलो, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है। मैंने 10th में 2016 में कालरा शुक्ला क्लासेस ज्वाइन की थी और मैंने यहाँ पे आके ये चीज़ नोटिस की है कि यहाँ के टीचर्स बहुत ही अच्छे थे, मतलब बहुत कोऑपरेटिव थे, मेरे सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हुए। और सबसे मेन बात यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे टेस्ट बहुत रेगुलरली कंडक्ट होते थे और जिससे मुझे पता चला कि मेरी वीकनेसेस क्या हैं और मैं ताकि मैं उस वीकनेसेस को अपनी इम्प्रूव कर सकूँ बाद में, तो उससे मेरे मार्क्स इम्प्रूव हो सके फ्यूचर में। तो मतलब तो टेस्ट रेगुलरली कंडक्ट होते थे और टीचर्स सारे मतलब रेगुलरली डाउट क्लियर होते थे मेरे। अगेन, वन ऑफ माई स्टूडेंट सोहम डे, ही हैज़ स्कोर्ड 127 मार्क्स आउट ऑफ 200 इन CET एंड आई होप ही इज़ 5th इन होल खोपोली। सोहम, कैन यू टेल अस हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड कैन यू गाइड स्टूडेंट्स जो अभी 10th से 11th में आ रहे हैं या 11th से 12th में आ रहे हैं, ताकि वो CET के एग्ज़ाम के लिए या JEE और नीट के लिए अपने आप को और बेहतर तरीके से तैयार कर सकें। नमस्ते, मैं सोहम डे हूँ। मैंने कालरा शुक्ला क्लासेस 2016 में ज्वाइन किया था। तब मैं आया था, जब सिन्हा सर से मैं मिला था, सिन्हा सर ने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे बताया JEE क्या होता है, उसको उसकी प्रिपरेशन कैसे शुरू करते हैं, स्टार्ट बेसिक से मतलब कैसे शुरू करते हैं, पहले बेसिक्स करते फिर इंटरमीडिएट लेवल चलते फिर डायरेक्ट एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो उन्होंने ये बताया क्या कंसेप्ट को क्लियर करो, हमेशा नोट्स पर ज़्यादा फोकस करो, नोट्स हर रोज़ रिवाइज करो, हर रोज़ घर पे जाके 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी करो, फिर जो होमवर्क दिया जाता है या जो DPPs दिए जाते हैं वो सॉल्व करो और नेक्स्ट डे आके जो डाउट्स रह गए वो सर से क्लियर करो। ऐसे कि जैसे हम जानते हैं कालरा शुक्ला क्लासेस के सारे टीचर्स IIT बैकग्राउंड से, वो सारे डाउट क्लियर कर देते थे, वो एक्चुअली मेरे लिए एक रोल मॉडल बन चुके थे।
उनको देख के मैं प्रोत्साहित होता था कैसे मैं आगे बढ़ूँ, अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ूँ, लाइफ के रोड को कैसे मैं क्रॉस करूँ। उन्होंने हमेशा हर पॉइंट में मुझे गाइड किया है। इसी कारण मैं अपनी जो जूनियर्स है उन्हें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि काला शुक्ला में आइए, वो आपको बोलेंगे कैसे गाइड करेंगे, कैसे होता है नीट। और एक चीज़ याद रखिए, IIT या JEE क्लियर करने के लिए एक भूख होनी चाहिए, एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, एक विल होनी चाहिए, तभी आप क्लियर कर सकते हैं। एज वी नो अ थॉट इज देयर, डिटर्मिनेशन कैन ब्रेक माउंटेन्स इनटू स्टोन्स। तो विल रखिए और सर तो है ही आपको गाइड करने के लिए हर पॉइंट में। मैं आपको अपने एक और स्टूडेंट से मिलाता हूँ, ये है शशांक कलस्कर। शशांक, आप अपने स्टूडेंट्स या आने वाले लोगों को थोड़ा गाइड करिए। मी शशांक कलस्कर, मी 2016 काला शुक्ला जॉईन केलं। 10वी झाल्यानंतर मला माहीत नव्हतं की इंजिनिअरिंग कशी असते, ते कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामबद्दल काहीच मला कल्पना नव्हती, पण नंतर सिन्हा सर आणि सगळे टीचर्सनी मला गाईड केलं। इथे माझे सर्व डाऊट्स क्लिअर होत होते आणि काला शुक्लामध्ये येऊनच मला कॉन्फिडन्स मिळाला की या एक्झाम्स कशा क्रॅक करता येईल असे। आणि मला CET 124 मार्क्स मिळाले आणि जसे सरांनी सांगितले तसे फक्त बोर्ड्स एक्झामच्या मार्क्सनी काही नाही होत, सर्व काही या CET आणि JEE मार्क्सनेच पुढे काहीतरी करिअर होऊ शकतं। आणि काला शुक्ला क्लासेस हे मार्क्स मिळवण्यात खूप मदत करतात। मला हे जे मार्क्स मिळाले हे सर्व काला शुक्ला क्लासमुळेच भेटलेले आहेत आणि मी गॅरंटी देऊ शकतो की काला शुक्ला क्लासनेच जर कोणी फुल डेडिकेशननी मेहनत केली तर तो इझिली JEE ॲडव्हान्स क्वालिफाय करू शकतो। सिन्हा सर, तुमचं सर परत एकदा मी अभिनंदन करतो की आपण पाहिलं की आपल्या विद्यार्थ्यांनी उज्ज्वल यश संपादन केलेलं आहे आणि खऱ्या अर्थानं ते एक खूप चांगली गोष्ट आहे, परंतु हे करत असताना कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम देणं खूप गरजेचं आहे, बरोबर? ती काळाची गरज आहे आणि ती दिल्याशिवाय पुढचं करिअर आपल्याला निवडताना येत नाही। परंतु ह्याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट अशी आहे की ही एक्झाम देणं किंवा या एक्झामला सामोरं जात असताना ते थोडं कॉस्टली आहे किंवा ते थोडं महागडं असं आहे। मग मला अतिशय महत्त्वाचा तुम्हाला एक प्रश्न आता असा विचारायचा आहे की समजा खोपोली शहरामध्ये किंवा खोपोली शहराच्या आजूबाजूला जो काही ग्रामीण भाग आहे, या ग्रामीण भागामध्ये अशी काही विद्यार्थी आहेत जे खऱ्या अर्थानं 90 किंवा 95% जास्त मार्क्स मिळवतात, परंतु खऱ्या अर्थानं त्यांना मार्गदर्शन मिळत नाही पुढचं करिअर निवडण्यासाठी आणि त्यांची कॅपॅसिटी नसते किंवा त्यांची आर्थिक तरतूद त्यांच्या आईवडिलांकडे तशी नसते, तर एक सामाजिक बांधिलकी जोपासण्याच्या माध्यमातून काला शुक्ला या क्लासेसच्या माध्यमातून अशा विद्यार्थ्यांना काही मदत होते का? ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है आपने। और काला शुक्ला क्लासेस डेफिनेटली एक सामाजिक जिम्मेवारी तो बनती है और हम खुद सोशल कॉजेज के लिए काम करना चाहते हैं। हम 10 ऐसे स्टूडेंट्स को फुल स्कॉलरशिप देने की घोषणा करते हैं जिनको मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में 90% मार्क्स आए हैं। वैसा हर स्टूडेंट जो बहुत गरीब है, JEE और नीट की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकता है, वैसे स्टूडेंट्स को हम चुन रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। और अगर उस स्टूडेंट में उस तरह की लगन है कि वो JEE और नीट जैसे एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उस लायक है, तो हम उस बात की जिम्मेवारी ले रहे हैं कि हम उसे उसके गोल तक पहुंचाएं। सिर्फ एक ही चीज़ हम देख रहे हैं कि उसको मैथ्स और साइंस में कम से कम 90% मार्क्स हो। वो वीक बैकग्राउंड से है तो कभी भी पैसा उसकी पढ़ाई के आड़े नहीं आएगा, पैसों की जिम्मेवारी हमारी। स्टूडेंट मेहनत करने वाला हो, वो अपने घर परिवार खोपोली का नाम रोशन कर सके, ऐसी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। सर, खूप छान वाटलं की सामाजिक बांधिलकी जोपासण्याचा प्रयत्न आपल्या क्लासेसच्या माध्यमातून होतोय। नक्कीच मी सहज समाचारच्या माध्यमातून असे जे गरीब आणि गरजू विद्यार्थी आहेत त्यांना असं आवाहन करतो की तुम्ही या संधीचा नक्कीच फायदा घेतला पाहिजेत। नक्कीच ही चर्चा होत असताना आपण पाहिलं की कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचं महत्त्व वाढतंय आणि त्याच्यामुळेच नक्कीच बोर्ड एक्झाम ज्या आहेत त्यांचं महत्त्व कमी होताना आपल्याला दिसतंय। परंतु हे सगळं करत असताना 10वीनंतरच जर खऱ्या अर्थानं या परीक्षांची तयारी केली तर मुलं उज्ज्वल यश संपादन करू शकतात, कारण की 10वीनंतर लगेचच या एक्झाम होताना आपल्याला दिसत आहेत।
कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम असल्यामुळे त्या एक्झामला सामोरं जात असताना काही अडचणी आहेत किंवा त्याच्यासाठी मेहनत असली पाहिजे. मग असेच बोलत असताना त्या विद्यार्थ्यांनी असं म्हटलं की इच्छाशक्ती असली पाहिजे, भूक असली पाहिजे आणि त्याच्यासाठी अपार मेहनतीची गरज आहे. आणि खऱ्या अर्थानं जर ही मेहनत त्या मुलांनी केली तर नक्कीच आपण सांगितल्याप्रमाणे कुठलीही परिस्थिती त्या मुलाच्या आड येणार नाही आहे अशी आपण जबाबदारी घेतलेली आहे. सिन्हा सर, खऱ्या अर्थानं मला एका गोष्टीचा आज आनंद होतो आहे की या सहसमाचारच्या माध्यमातून आपण पालकांपर्यंत आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत ह्या एक्झामचं जे महत्त्व आहे ते आपण त्या मुलांपर्यंत घेऊन जाणार आहोत आणि खऱ्या अर्थानं ती एक गाईडलाईन असणार आहे. आपण याविषयीची माहिती देण्यासाठी सहज समाचारच्या स्टुडिओमध्ये आलात आणि आपला बहुमूल्य वेळ आम्हाला तुम्ही दिलात त्याबद्दल मी सहज समाचारच्या वतीनं आपले आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. मैं सहज समाचार का आभारी हूँ कि उन्होंने हमें हमारे स्टूडेंट्स को बुलाया और हमारे माध्यम से बाकी के छात्रों को एक संदेश देने की कोशिश की गई. मैं आखिर में सब कुछ कंक्लूड करते हुए एक संदेश देना चाहूँगा, खासकर उन विद्यार्थियों को जो अभी 10वीं से 11वीं में आ रहे हैं. स्टूडेंट्स, 12वीं का एग्ज़ाम ज़रूरी है, उसके नंबर भी ज़रूरी हैं, लेकिन सिर्फ 12वीं के नंबर के बेसिस पे, सिर्फ 12वीं के नंबर को लेकर आपको अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पाएगा. अगर आपको अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो आपको 12वीं के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी बिल्कुल शुरुआत से करनी चाहिए. इसलिए किसी भी इंस्टीट्यूट को चुनते वक्त उस इंस्टीट्यूट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिजल्ट का पूछताछ या उसकी पूरी जानकारी ज़रूर ले लें.